द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये एक ट्रू स्टोरी है स्टीवन हॉकिंग्स के लाइफ की। दोस्तों, प्यार किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है, चाहे वो प्यार किसी रिलेशनशिप का हो या फिर किसी के किसी चीज के एम का। और मुझे तो लगता है कि सारा खेल दिमाग का है, क्योंकि अगर दिमाग बिजी है, आपकी लाइफ जितनी भी तकलीफें हैं उस तकलीफ को एहसास नहीं होने देगा। ऐसा ही कुछ स्टीफन हॉकिंग्स के साथ में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रू स्टोरी को सुनते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं और अपनी पीएचडी कंप्लीट करने वाले हैं। स्टीफन बिल्कुल आम स्टूडेंट्स की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत तेज है। इसी बीच स्टीफन की मुलाकात जेन से होती है, जो उसी कॉलेज में अपनी पीएचडी कर रही होती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि हॉकिंग्स ने अपनी पीएचडी के लिए अभी तक सब्जेक्ट चूज नहीं किया है। ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है जिसमें हॉकिंग्स के साथ में और भी स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर उनको कुछ पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन्हें सॉल्व करके लाना था। नेक्स्ट डे स्टीफन का फ्रेंड कॉलेज जाने के लिए जब आया तो स्टीफन ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। उसका फ्रेंड लेट हो रहा था, इसकी वजह से वो चला जाता है। स्टीफन अभी ही सो के उठे थे, उन्होंने विंडो से बाहर देखा तो सभी लोग अपने क्लास में जाने के लिए रेडी थे। स्टीफन ने कुछ ही मिनट लगा के अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रोफेसर के सामने पहुंच जाते हैं। उनके फ्रेंड्स ये देखकर हैरान है कि इतने सारे सही आंसर इतनी जल्दी इसने कैसे कर लिए, वो भी एक रफ पेपर के ऊपर, क्योंकि वो अच्छा पेपर सर्च करने के लिए अपना टाइम खत्म नहीं करना चाहते थे। प्रोफेसर खुश था और पूछता है कि तुम किस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी थीसिस लिखने वाले हो। स्टीफन बोलते हैं कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो प्रोफेसर स्टीफन को अपने साथ ब्लैक होल के ऊपर लेक्चर अटेंड करने के लिए लेके जाते। हॉकिंग्स और उनके प्रोफेसर ने ब्लैक होल के लेक्चर को अटेंड किया और हॉकिंग्स को लगता है कि ब्लैक होल यूनिवर्सल की क्रिएशन का पार्ट नहीं है, बल्कि उसी से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। इसी रिसर्च के बीच हॉकिंग्स कॉलेज में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सर पे काफी चोट आती है और डॉक्टर से उन्हें यहाँ पता चलता है कि उनको एक रेयर बीमारी है जिससे उनकी सारी मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी और उनकी हालत ऐसी भी हो सकती है कि वो सांस भी ना ले पाए। डॉक्टर के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा अब 2 साल और जिंदा रहेंगे। स्टीफन डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या उनका माइंड भी काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर बोलते हैं कि माइंड और इंटेलिजेंसी पे इसका कोई भी असर नहीं करेगा, लेकिन शायद तुम बोल भी ना पाओ। स्टीफन अब ठीक से चल नहीं पा रहे थे और बोलने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी, इसलिए जेन से उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन जेन उनसे सच्चा प्यार करती थी और जेन हॉकिंग्स के फादर से मिलती है और बोलती है कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है और चाहे हालात कुछ भी हो वो हॉकिंग्स का कभी साथ नहीं छोड़ेगी। अब हॉकिंग्स बहुत खुश थे कि उन्हें उनका प्यार मिल गया था और उन्हें याद भी नहीं कि 2 साल का टाइम कब गुजर गया है। जल्दी ही फर्स्ट बेबी होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। दोस्तों, स्टीफन की लाइफ बहुत बिजी थी, पहले मैरिज, फिर बेबी, फिर थीसिस, जिस वजह से उन्हें टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि उन्हें 2 साल के अंदर मरना है। लेकिन 2 साल का टाइम गुजर जाता है और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ स्टीफन अपनी थीसिस को बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर और उनकी थ्योरी सामने लाते हैं कि ब्लैक होल समय की शुरुआत से ही है और उस समय टाइम और स्पेस दोनों एक ही था। सभी प्रोफेसर इस बात से खुश हैं कि ऐसी भी थ्योरी हो सकती है। अब स्टीफन इसी बात को प्रूव करना चाहते हैं। इतनी खुशियों के बीच एक दिन स्टीफन फील करते हैं कि वो चल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब हर समय चेयर पे ही बैठना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, स्टीफन अभी रुके नहीं थे। उन्हें जेन से दूसरा बेबी होता है और इस बेबी का नाम होता है लूसी। इसी बीच पूरे वर्ल्ड को उनकी न्यू थ्योरी कि ब्लैक होल क्यों नहीं दिखता है दुनिया के सामने आती है। उनका मानना है कि ब्लैक होल में कोई स्टार समा जाता है और जब सारी ऊर्जा बाहर निकलती है तो ब्लैक होल अपना मास खत्म कर देता है। इस बात से सब उन्हें अब रिस्पेक्टफुली पहचानने लगे हैं। स्टीफन अब ब्लैक होल की लोकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जेन ने स्टीफन का हमेशा साथ दिया और जेन जब ये देखती है कि उसकी सारी लाइफ बच्चों को देखने में और स्टीफन की देखरेख के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो थोड़ी सैड थी। वो भी अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहती है। दूसरी तरफ स्टीफन थीसिस लिख लिख कर वर्ल्ड में फेमस हो रहे हैं और जेन खुद कुछ ना कर पाने की वजह से फ्रस्ट्रेट होने लगी है। इस बात को स्टीफन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जेन की सोशल लाइफ उसकी वजह से पूरी तरह खत्म हो गई है, इसलिए जेन ने चर्च ज्वाइन किया है और यहाँ जेन की फ्रेंडशिप होती है जोनाथन से। जेन ने जोनाथन को अपने घर में पियानो टीचर की तरह अपॉइंट भी कर लिया है। जोनाथन के साथ स्टीफन और उसके बच्चे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, जिससे अब उनका टाइम बहुत अच्छे से गुजरने लगा है। स्टीफन भी जेन को खुश देखकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। यहाँ स्टीफन के फादर इस बात से थोड़ा नाराज होते हैं कि तुम्हें फुल टाइम नर्स की जरूरत है। टाइम निकलता जा रहा था और डॉक्टर की बात गलत निकली। यहाँ जेन ने एक और बेबी तमायो को बर्थ दिया और इस बच्चे की खुशी में एक पार्टी चल रही थी, तभी स्टीफन की मॉम ने जेन से जोनाथन का है। जेन ने यहाँ साफ मना कर दिया और ये बात जोनाथन सुन लेता है,
कि उसके और जेन के बारे में हर जगह अब गलत बातें चल रही हैं। जोनाथन जाने लगता है, तभी जेन उसे रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है क्योंकि सारी जगह अब यही बातें चल रही हैं। जोनाथन यहाँ पे ये भी बोलता है कि हाँ, ये सारी बातें मेरे मन के अंदर भी हैं। तभी जेन बोलती है, मैं भी यही फील करती हूँ, और जोनाथन वहाँ से चला जाता है। अब जोनाथन स्टीफन की फैमिली से दूर रहने लगा है, इस बात से जेन थोड़ी सी सैड है। इसी टाइम में स्टीफन को ओपरा अटेंड करने का इनविटेशन मिला है और वो जाना चाहता है, और यहाँ जेन को फ्लाइट से डर लगता है, जिस वजह से स्टीफन जेन को जोनाथन के साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेन यहाँ बोलती है कि जोनाथन शायद नहीं आएगा। स्टीफन ने जोनाथन से जाके बात की और बोला कि जेन को तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन यहाँ पे एग्री करता है। जब स्टीफन परफॉर्मेंस देख रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब यहाँ पता चलता है कि वो कोमा में है और जागने के बाद वो शायद सांस भी ना ले पाए। केवल एक ही तरीका है कि उनको गले में सर्जरी करके उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद वो कभी बोल नहीं पाएंगे। जेन ने स्टीफन की लाइफ को बचाने के लिए सर्जरी के लिए हाँ बोल दिया है। जोनाथन भी दूर चला गया है जेन से, और अब स्टीफन को ज्यादा केयर की जरूरत है, इसलिए जेन ने एक नर्स को फुल टाइम के लिए रख लिया है। इस नर्स का नाम इलेना है। स्टीफन अब स्पेलिंग बोर्ड की मदद से इलेना से बात कर सकते हैं। इलेना का साथ स्टीफन को काफी पसंद में आ रहा है। स्टीफन को इससे नई एनर्जी मिल रही है। जेन ने स्टीफन के लिए वॉइस सिंथेसाइजर मिला है, जो कि क्लिक की मदद से स्क्रीन पे लिखे हुए मैसेज को बोलता है, और अब स्टीफन की आवाज एक रोबोटिक आवाज रहेगी। जो भी स्टीफन मैसेज टाइप करेंगे, इस रोबोटिक आवाज से सबको सुनाई देगा। स्टीफन ने बुक लिखने का फैसला किया है, और ये बुक लिखने के बाद ये बुक पूरी वर्ल्ड में फेमस होती है। इस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन जेन से बोलते हैं कि वो एलिना को अपने साथ अमेरिका में अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए ले जाना चाहते हैं, जिससे वो वहाँ पे देखरेख करती रहेगी। यहाँ हमें ऐसा लगा कि स्टीफन जेन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जेन को वो पूरी लाइफ अपनी सेवा में नहीं लगा सकते, इसलिए वो जेन को अपने से अलग कर रहे हैं। इसलिए दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। जेन सैड है और बोलती है कि उसने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। जेन जोनाथन से जाके मिलती है और स्टीफन इलेना के साथ रहने लगते हैं। दोनों की लाइफ अब अलग अलग चल रही है, लेकिन दोनों के मन में अभी भी वैसा ही प्यार है जैसा कि पहली बार स्टीफन को जेन को देख के हुआ था। अमेरिका में लेक्चर चल रहा था, तभी स्टीफन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, और किसी ने पूछा कि अगर आप गॉड को बिलीव नहीं करते हैं तो ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में। तभी वो एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका पेन जमीन में गिर गया था। स्टीफन इमेजिन करने लगते हैं, वो खुद चलकर उस स्टूडेंट के पास जाते हैं और उसका पेन उठा के देते हैं। वो इमेजिनेशन से जैसे ही बाहर आते हैं, वो ऑलमोस्ट रोने लगते हैं। अपनी लाइफ की हालत देखकर इसके बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पे एक इंस्पायरिंग स्पीच देते हैं और वो बोलते हैं कि ह्यूमन के नेचर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, जैसे स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है, और हम इस यूनिवर्स के बहुत छोटे से क्रिएशन हैं हम यहाँ। तो कितनी भी लाइफ बैड हो, पर हमें कभी भी होप नहीं खोना चाहिए। लाइफ है तो इसका मतलब होप है। यहाँ पे सब तालियां बजाते हैं और स्टीफन वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टीफन जेन को अपने साथ एलिजाबेथ से मिलने के लिए एक लेटर देते हैं। जेन खुश थी और स्टीफन के साथ में आने के लिए हाँ भी बोल देती है। दोनों मिलते हैं, यहाँ पे जेन थैंक यू बोलती है। उन्होंने पूरा दिन अपने बच्चों के साथ गुजारा, और अपने बच्चों को देखकर स्टीफन बोलते हैं कि हम दोनों ने मिलकर ये बनाया है। यहाँ दोस्तों जेन और स्टीफन अपनी पुरानी मेमोरी को फिर से एक बार देखते हैं, और एंड में हमें बताते हैं कि स्टीफन अभी भी जिंदा है और उनका अभी कोई रिटायरमेंट का प्लान भी नहीं है। जेन ने भी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लिया है और जोनाथन के साथ में हैप्पीली रह रही है, और स्टीफन और जेन बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। स्टीफन ने अपने नाइटहुड अवार्ड को लेने से भी मना कर दिया है, जो मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रिटिश अवार्ड है। दोस्तों यहाँ पे मूवी खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस मूवी, और अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।